एक मैच याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच था और वहां कुछ स्लेजिंग जैसा कुछ होता है विराट के सामने और विराट उसका जवाब मुंह से नहीं देता है, विराट उसका जवाब देता है बल्ले से और विराट फिर से विराट बन के निकलता है। विराट मुंह से भी देता है। पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और उस कमिटमेंट के साथ आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, छोड़ना नहीं है आपको उस प्रोसेस को। यही तीन काम चार काम विराट ने लगातार करे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं तस्वीर कल्चर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। इस पॉडकास्ट एक खुशी का लम्हा था, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हम लोग बात कर रहे थे कल के मैच पे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पूरा डिस्कशन कल भारत की इतनी बड़ी जीत और विराट कोहली का संन्यास, ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल है कि पूरे वी आर अ पैशनेट नेशन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो इस बारे में जब मैं दोस्तों से बात कर रहा था तो मैंने सोचा चलो यार इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग बात करते हैं और हम शेयर करते हैं कि विराट कोहली की लाइफ से जब आज उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वाले एस्पेक्ट में तो जाहिर है देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिस्कसिंग स्पोर्ट्स साइड ऑफ इट, हम लोग विराट कोहली के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, मैच के बारे में बात करेंगे और विराट के बारे में बात करेंगे और विराट के लाइफ से, बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर। रिसेंटली आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियोस वेयर आई एम ट्राइंग टू टच ऑन द टॉपिक्स कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगा विराट के बारे में बात होनी चाहिए, आपसे मेरी बात हुई इस बारे में कि विराट ने जो एक्सट्रीम रिजल्ट्स अपनी लाइफ में दिए, आई थिंक इट कम्स अ लॉट फ्रॉम द पर्सन ही विराट इज। तो आज दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे, सो लेट्स विदाउट यू नो डिलेइंग फर्दर लेट्स गेट इन टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले I would like first of all to come. I would like you to express the feelings. तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पूरे हिंदुस्तान की feeling है अभी वो मेरी feeling है, यानी कि we all are excited ना कि ये इतनी बड़ी achievement है जिसके लिए हमने एक लंबा इंतजार किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अजीब नहीं लग रहा कल से, मतलब ये एक अचीवमेंट ऐसी है कि कल मैच के पीरियड में भी ऐसा लग रहा था कि we are going to lose that. बीच में ऐसा पीरियड आया, बट इन सडन चीजें बदली और इसको मैं किस्मत नहीं कहूंगा, ये मेहनत है हमारे क्रिकेट टीम की, हमारे कैप्टन की और खासकर विराट जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत है इस गेम के पीछे और पूरी टीम की डेडिकेशन है, एक लंबा पीरियड उन्होंने इंतजार किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जीतने के बाद दोनों टीमें रो रही थी, एक टीम रो रही है खुशी में और एक टीम रो रही है हारने की वजह से। तो ये आंसू जो है, इन आंसुओं ने बहुत इंतजार किया है और इंडिया मैं समझता हूँ कि इसको डिजर्व करता था, बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व करता था और यही फैंस की भी फीलिंग्स है। मुझे लगा एक आंसू फैंस के भी है। बिल्कुल है वो खुशी के आंसू है, बड़े दिनों से लंबा इंतजार था। रिसेंटली हम लोग 50 वर्ल्ड कप जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गए। जी महसूस आप बताइए शुभ भाई, आपका कैसा भी हमारे भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है हमने इस जीत का। 2011 के बाद से जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बाद से 13 साल के बाद हम दोबारा इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमें अच्छी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ये वो टीम ऐसी रही है, उन्होंने इतनी उनका डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी गेम में और टीम मैनेजमेंट, जैसे रोहित ने हमारे पूरी टीम मैनेज करी है रोहित ने, और इसमें विराट का काफी बड़ा रोल रहा है जबकि वो पूरे आपके इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे आपने खुद भी नोटिस किया होगा देखा होगा पूरे मैच में कहीं नहीं चला है, लेकिन उन्होंने इस चीज को लास्ट तक संभाल के रखा था। और जैसे रोहित ने कहा था कि फैंस मजाक बना रहे थे, तो रोहित ने कहा था इसको ये वर्ल्ड कप के लिए फाइनल चीज के लिए है, ठीक है ये फाइनल में खुलेगा, वो फाइनल में खुला, उसने अपने आपको प्रूफ किया कि मैं हूँ अभी स्पेसिफिकली अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग विराट कोहली। विराट कोहली का प्रोसेस हम लोगों को एज अ फैंस, वी आर नॉट, लेट मी गिव एन डिस्क्लेमर, वी आर नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, राइट? ऑब्वियसली सो आप लोग इसको क्रिकेट एक्सपर्ट की नजर से ना देखें, मगर एक आम
भारत के लड़के विराट को देखकर क्या सीख सकते हैं, जो मेरा गोल है इस चैनल पे, अभी जो इस गोल को लेके मैं चल रहा हूँ, वो ये है कि यू नो हमें इंस्पायर होना है, और विराट से इंस्पायर होने के लिए बहुत रीजंस हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे एज अ यूथ, एज अ इंडियन यूथ, मैं क्या देखता हूँ विराट में, ऐसी क्वालिटी जो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के युवाओं में वो ट्रांसफर हो, ताकि हमारे देश में अलग अलग फील्ड में विराट बने। सो दैट इज माई गोल ऑफ दिस पॉडकास्ट विद माई very very close friends. So before moving further, right, I would like, see, I know you guys, but I want you to introduce yourself to my audience. Maybe you are coming to the first time on this channel, right? Yeah. So yeah, you have to introduce yourself. बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आपने इस मुहिम से, एक्चुअली ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, एक्चुअली जो आपने सीरीज शुरू की है, इससे जोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि आप तो जानते ही मुझे, मेरा नाम जागेंद्र है और बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और तकरीबन 12 साल से अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज में मैंने जॉब की है, लिखने पढ़ने का थोड़ा सा शौक है, कभी कभी लिख लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं, और चूंकि मैं एक भारतीय हूँ तो क्रिकेट देखना तो मेरा फर्ज बन जाए। ये बिल्कुल पता है कि इंडिया में दो चीजें हैं जो हर जगह आपको मिल जाती है और इंसान में कहीं ना कहीं वो दिख जाती है, क्रिकेट और सिनेमा। तो आज हम क्रिकेट पर फोकस्ड। मेरे साथ मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, बचपन से हम लोगों ने काफी वक्त साथ गुजारा है। मैं चाहता हूँ शेख भाई आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तो जानते हैं मेरे बारे में, बाकी दर्शकों को बताता हूँ कि मेरा नाम शेख है। बेसिकली मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ और अपना खुद का बिजनेस करता हूँ दिल्ली में, काफी टाइम से बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं। और हॉबीज के बारे में जानेंगे तो मुझे भी क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है। और अदर एक्टिविटीज में लिटरेचर जुड़े हुए हैं, अपना रीडिंग करना, आपका शेर व शायरी सुनना, इन सब चीज से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट से तो बस प्यार है एक तरीके से। तो दोस्तों ये हो गया हमारे दोस्तों का इंट्रोडक्शन। आप विराट को काफी साल से फॉलो कर रहे हैं, मैं विराट को काफी साल से फॉलो कर रहा हूं। विराट में क्या ऐसा डिफरेंट है, मैं चाहता हूं कि ये चीज हम ऑडियंस को बताएं कि विराट विराट क्यों है। उसके प्रति जो है लगातार जुड़े रहना, उसको मेहनत करते रहना। मैं कुछ इंटरव्यू में देख रहा था कि विराट कहता है कि किसी ने पूछा कि भाई आपका सबसे फेवरेट ईयर कौन सा है, मतलब कि कौन सा साल आपका परफॉर्मेंस वाइज अच्छा रहा। तो विराट कहता है कि भाई मेरे को ना लीप ईयर पसंद है। बोले लीप ईयर क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लीप ईयर हैज अ 366 डेज और आई कैन प्रैक्टिस वन मोर डे। तो ये है विराट को जो विराट बनाता है। सो ये पहली चीज कंसिस्टेंसी है, पहला फोकस वर्ड है हमारा। सो मैं क्या करूंगा, इसकी ग्राफिक्स में जो फोकस वर्ड्स आ रहे होंगे आपके लिए, पहला फोकस वर्ड है कंसिस्टेंसी। बट वो कंसिस्टेंसी आई कहाँ से? तो मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी आई उसके पैशन से। तो दूसरा फोकस पॉइंट जिसको भी मैंने आज स्क्रीन पे लिखा वो है पैशन। तो विराट का गेम को लेकर जो पैशन है उसके बारे में थोड़ा आप क्या सकेंगे? मतलब हम देखते हैं कि 2008 में विराट आते हैं, दो एक साल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता, बट 2011-12 के बाद वो ग्राफ उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़ता है। तो वो गेम का पैशन विराट का, वो आपने किस तरह से एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, आपने किस तरह से विराट को बाकी प्लेयर से डिफरेंट पाया? इसके लिए बस पैशन से पहले वो आपका मेन चीज है, आपको उसका डेडिकेशन जो उसको पैशन को फॉलो करने में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। और पैशन है जो उसकी भूख है उसकी, उसको एक अचीव करने की, आपको एक गोल अचीव करने की, एक पॉइंट उसने सेट कर रखा है, अपना गोल सेट कर रखा है, उसके ऊपर वो डेडिकेटेड है, तभी वो पैशन के ऊपर काम करता है। तो मैं थोड़ा अपने पॉइंट्स को ऐड करता हूं आप दोनों के पॉइंट्स पर। विराट को जो चीज दोस्तों विराट बनाती है, जो हमें सीखना है वो ये है कि विराट अपनी गेम को लेकर के, अपने काम को लेकर, आप विराट की लाइफ देखोगे, दिल्ली का एक साधारण से परिवार का लड़का, ठीक है, रणजी में अच्छा परफॉर्म करता है, T20 में अच्छा, T20 तो बाद में, रणजी में अच्छा परफॉर्म करता है कंसिस्टेंटली, फिर जगह बनाता है सेलेक्टर, इंडिया में सेलेक्टर्स की नजर में आना इज अ बिग डील, सेलेक्टर्स की नजर में आता है, फिर उसके बाद अंडर 19 में अच्छा खेला विराट, उसके बाद फिर यू नो नेशनल टीम तक आना, इंडिया में नेशनल टीम में आना इज अ बिग डील। बट विराट रुकता नहीं है, बहुत सारे प्लेयर आते हैं और चले जाते हैं,
सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, विराट परफॉर्म करता है अपनी जगह बनाता है धीरे धीरे। और अगर आप देखें जब शुरुआत में विराट को एक पॉइंट ऐसा आता है जब रियलाइज होता है कि शायद देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय प्रोसेस, जिसको मैं अभी बात करूंगा, वो प्रोसेस को सही करता है। और उसके बाद विराट इस तरीके से इवॉल्व होते हैं और उनके बाद जो शुएब ने बात बोली हंगर की, यानी अपने गोल्स के लिए वो गोल्स उनके ओवरवाइज होते हैं। अगर आप मैच विराट को देखोगे, अगर आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हो तो आप देखते होंगे कि विराट अपने गोल एक मैच के बनाता है, तो मैं बैटिंग करके उतरा हूँ 30 ओवर्स के बाद मुझे क्या स्कोर होना चाहिए बोर्ड पे, और उसके लिए वो प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बॉल आई है उसके बाद ही स्टार्टेड हिटिंग, वो अपनी जो पूरी इनिंग्स है, हाँ पूरी इनिंग को बिल्ड करते हैं विराट, विच इज वेरी डिफरेंट विद अ लॉट ऑफ पीपल। आप देखिएगा कि आते हैं तो फिर उसके बाद वो गेम अवेयरनेस इसे कहते हैं, विराट के अंदर गेम अवेयरनेस है, विराट के अंदर हंगर है। और दूसरा पॉइंट जो हम समझ सकते हैं कि विराट का गेम को लेकर पैशन है, और विराट अपने काम को लेकर के ही इज ऑल्सो वेरी कैलकुलेटिव व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। उसे पता है कि उसे कब कौन सा स्टेप लेना है, उसे ये पता है कि मुझे गियर कब शिफ्ट करना। कल के मैच में भी देखिएगा 50 स्लो हुई थी उसके बाद उन्होंने गियर चेंज करा। सो अगली क्वालिटी पे हम आते हैं, क्या अगली क्वालिटी आप देखते हैं विराट कोहली के पूरे प्रोसेस में? अब हम विराट कोहली के बिल्डिंग फेज में जा सकते हैं। आई थिंक द होल आइडिया ऑफ बिकमिंग विराट कोहली, द आइडिया ऑफ विराट कोहली, उसमें हम जाते हैं, उसमें जो उनका प्रोसेस है उसमें हम आते हैं, चाहे वो फिटनेस हो या आई थिंक आई वॉन्ट यू टू शेड लाइट ऑन दैट। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भी विराट में कुछ अलग भी है और जो उसे यूनिक बनाता है, जैसे कि बाकी सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, विराट कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। और यही एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि विराट जो है फिटनेस फ्रीक भी है। आप भी जानते हो कि 2012 के बाद से टीम में पूरे चेंजेस आए हैं फिजिक को लेकर, जिसकी वजह खासकर विराट है। और विराट ने ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए उसको फॉलो किया है और फिर उसको छोड़ दिया गया है, फिर फॉलो किया फिर छोड़ दिया, नहीं, थ्रू आउट दिस स्पैन उसने इस चीज को फॉलो किया, और नॉट इवन खुद फॉलो किया, पूरी टीम को उसके लिए प्रेरित किया है। और आज देख सकते हैं कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम एक अलग ही फिटनेस के साथ दिखाई दे रही है, लोगों की बॉडी जो है बहुत एथलेटिक है, और इसका फर्क ना आपको फील्ड में दिखाई देगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कल का कैच पे बात करें, कल का कैच तो बस ऐसे समझ लीजिए कि ये मिरेकल है ना, बट ये मिरेकल भी मेहनत से हुआ है, ये ऐसा मिरेकल नहीं है कि बस जूम हो गया, इसके पीछे भी मेहनत है। आप देखिए क्या मतलब पहले ऐसा पॉसिबल होता था कि कैच ले ले आदमी, हाँ कहा जाता है कैचेस विन यू मैचेस, या सो So, उसका विराट का ना एक जो रूटीन है खासकर फिटनेस को लेके और डाइट रिलेटेड टू देयर हिज हेल्थ, ये ओवरऑल मिलके विराट बनाते हैं। ये ऐसे नहीं कि विराट सिर्फ क्रिकेट में बेहतर है, अब विराट ओवरऑल बेहतर पर्सनैलिटी है। आप देख सकते हैं उसको कि उसकी डाइट हो गया, उसका हेल्थ हो गया, फिटनेस रूटीन हो गया। और जैसे कि मैं आपको जैसे बताया था, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया है कि उस मीडिया हाउस कह रहे हैं कि विराट कोहली साल में एक बार छोले भटूरे खाता है। आई डोंट बिलीव दैट, बट अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और 5 साल में काजू बर्फी खाता है और मतलब कि ये वाइट चीज कंज्यूम करता है। हाँ, तो अगर ये इस तरीके की चीजें ये अगर एक क्रिकेटर फॉलो कर सकता है जिसके पास में सारी एमिनिटीज हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, और एक अच्छा क्रिकेटर, ये नहीं कि कोई नॉर्मल क्रिकेटर है जो पहले से ही नाम कमाता हुआ आ रहा है, वो इस चीज में थोड़ी सी रियायत ऊपर आ सकता था, बट उसने रियायत नहीं बरती क्योंकि उसको पता था कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, उसकी पर्सनैलिटी में फर्क आएगा, जिससे उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर माय ऑडियंस, कि जब आप अपने लाइफ में किसी मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां भी आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपने ये डेडिकेशन बांध दिया कि मुझे 6 बजे उठ के जाना है, 5 जाना है, मुझे जिम जाना है, और अगर आप वो महीने में 30 दिन कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं ना 10 o'clock पे जाकर के ऑफिस में, वहां पे भी आपकी वही मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगी। विराट क्योंकि जिम में इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है तो फील्ड पे भी वो कंसिस्टेंसी दिखती है। एवरेज देख लीजिए आप उठा के 50 का एवरेज इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा लोग अचीव नहीं कर पाते, 50+ एवरेज है ओडीआई में। आप उनकी बैटिंग का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख लीजिए, विनिंग कॉज में जब वो सेंचुरीज लगाते हैं वो आप देख लीजिए। आप ये देख लीजिए कि विराट जब इंडिया सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है, प्रेशर सिचुएशन में होती है, वहां पे वो बैट करने आते हैं, पूरा इंडिया समझ जाता है कि विराट आ गए हैं तो भरोसा है।
विराट ने एक चीज के लिए बड़े क्रिटिसाइज भी हुए शुरुआती दौर में, मुझे याद है वो इस चीज के लिए कि क्या विराट जो है एग्रेशन ज्यादा करते थे शुरुआत में, बाद में फिर ऐसा फेज आया जो थोड़ा सा एग्रेशन कम हुआ उनका, ऐसा फेज भी आया या, बट विराट का एग्रेशन मुझे बहुत डिफरेंट लगता है, मैं उसको कंट्रोल्ड एग्रेशन कहता हूँ बिकॉज इट इज अबाउट हिज गेम, वो अपने गेम के लिए अग्रेसिव है, उसको जीतना है इसलिए वो अग्रेसिव है, उसे किसने लड़ता है वो ये, बट एट दैट मोमेंट उसको लगता है कि अगर मुझे अपना पैशन दिखाना है तो फील्ड पे शो करते हैं विराट। शुभ आप क्या कहेंगे फिर जॉनी, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा इस सवाल के लिए, आप क्या इसे देखते हैं विराट का जो गेम को लेकर जुझारूपन है, जो गुस्सा है, जब ये जीत के लिए जो भूख है, वो कैसे इतनी अलग है बाकी प्लेयर्स से? देखिए कंट्रोल्ड एग्रेशन है तो मुझे लगता है कि वो गेम के लिए जरूरी है, क्योंकि वो कभी आपका सेल्फलेस पर्सन है, ठीक है, और कभी ऐसा नहीं वो इंडिविजुअल अपने लिए खेल रहे, वो खेलते हैं पूरा टीम के लिए। अब टीम के लिए खेलने के लिए और आप उस टाइम पे अपना एग्रेशन शो कर रहे हो, कंपलसरी है आपको टीम को मजबूत रखने के लिए, खुद को मजबूत रखने के लिए, ठीक है, वो मुझे लगता है वो गलत नहीं है उस पॉइंट वाला पॉइंट, और आपको एक गोल अचीव करना है तो आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगती है कि वो एग्रेशन कोई जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए, बेस्ट है, जरूरी भी है। सॉरी भाई इसी पॉइंट में हमारे ऊपर फॉरवर्ड क्रिकेटर्स ने भी शुरू में क्रिटिसाइज किया था उनके लिए, भाई जो एग्रेशन है ज्यादा है, यू नो क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, बट उसके एग्रेशन ने ऐसा नहीं उसके गेम को ऊपर नहीं ले गया, एक लेवल पे वो अग्रेसिव भी थे और अपना गेम भी खेलते रहे। मैं तो देखता हूँ उसका जो अग्रेशन है वो गेम में जीतने की उनकी भूख है, आप कैसे देखते हो? देखिए मेरा मानना तो ये है कि एग्रेशन है ना, ये जितना मैं जानता हूँ पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में रहा है, हर प्लेयर जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और ईमानदार है अपने खेल के लिए, उसको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है जब वो कुछ हो रहा हो, जब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो, तो ये ना पार्ट ऑफ गेम है, इसको मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इस बंदे को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए था या जाना चाहिए, ठीक है ना, वो बंदा अपने गेम खेल रहा है, कभी उसे गुस्सा भी आएगा क्योंकि वो गेम को ना गेम की तरह नहीं ले रहा है, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है, जैसे आप और हम खाने के लिए भूखे हैं तो विराट खेल के लिए भूखा है, बट विराट ने उसका बड़ा बेहतर इस्तेमाल किया है। मुझे एक मैच याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच था और वहां कुछ स्लेजिंग जैसा कुछ होता है विराट के साथ, और विराट उसका जवाब मुंह से नहीं देता है, विराट उसका जवाब देता है बल्ले से, और विराट फिर से विराट बन के विराट मुझे भी देता जब शुरू दिल्ली का लौंडा है तो आप बाकी समझदार लोग हैं ना, विराट को मुंह से लड़ाने का ज्यादा अच्छा नतीजा चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या किसी ने भी नहीं झेला। मुझे लगता है कि विराट का जो अग्रेशन है ना वो उसकी गेम को जो उसका पैशन है वो हारना नहीं चाहता है किसी भी हाल में, किसी मोमेंट में, किसी भी ओवर में नहीं हारना चाहता। तो कई बार ऐसा भी है कि मैं बिल्कुल हम लोग ये नहीं कहेंगे हर बार सही होता, कई बार ओवर हो जाता है, कई बार कभी कभार कुछ ऐसे मोमेंट आए होंगे भाई इतना लंबा करियर है जहाँ पे ऑडियंस को लगा होगा कि नहीं यहाँ पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था या फिर जो भी है जो भी सामने होगा उसको, मगर यार लेट्स टेक इट लाइक कि वो अपने गेम को जीतना चाहता था और ऐसा ही उसने अपने पूरे करियर में विराट ने किया है, ही जस्ट वांट्स टू विन फॉर हिज कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट कि वो अपने गेम को लेकर के पॉजिटिव। तो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हो जाता है कि आप जिस काम में हैं पैशनेट रहिए, कंट्रोल्ड एग्रेशन रखिए, किसी को आपने लड़ना नहीं है आपको किसी से, आप अपने काम में अपना गुस्सा निकालिए, इफ यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप आप उसमें यू नो जस्ट गिव योर बेस्ट, दिमाग आपका कहीं और नहीं है अगर आप उस काम पे इतने फोकस्ड हैं। सो दैट इज वन लेसन आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, पैशन नहीं है तो फिर वो बहुत आएगा ही नहीं, पैशन, पैशन के बाद कमिटमेंट, अगर वो पैशन है पर उसके लिए कमिटेड नहीं तो वो पैशन नहीं, जो भी बोल रहा है या मैं भी यूज नहीं आज कल, तो पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और उस कमिटमेंट के साथ आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, छोड़ना नहीं है आपको उस प्रोसेस को। यही तीन काम चार काम विराट ने लगातार करे और उसकी वजह से विराट आज हमारे देश को इतनी बड़ी खुशी यू नो आज हमारे देश में फैली हुई है, जहां देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह एवरीबडी इज लाइक दिस इज लाइक अ फेस्टिवल फॉर द नेशन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ काम की बातें कर ली होंगी बहुत सी बातों में और जी कुछ ऐसी चीजें आपको बता पाए, हालांकि मुझे लगता है बहुत सारी बातें आप इसमें से जानते भी होंगे,
लेकिन क्या होता है कि चीजें समराइज हो जाती है, एक साथ एक फ्लो में आ जाती है, तो बड़ा हेल्पफुल होता है। सो आई होप कि इन सारी चीजों को आप और मैं दोनों अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। और इसी पॉइंट पर मैं आप अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीडियो में वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में।